करना चाहिए, ऑल्दो मेरा फील्ड नहीं है, आई एम अ पीडियाट्रिशियन बेसिकली, सो बट स्टिल आई एम अ वेरी प्रो वैक्सीन पर्सन, एलिजिबल है चाहे वो नेजल वैक्सीन है, वैक्सीन है चाहे वो डरे हुए हैं कि वैक्सीन ना जाने 10 साल वैक्सीन को लेकर ये जो भ्रांतियां हैं उसको कैसे खत्म किया जाएगा। कई ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, इनफैक्ट जो सीजन उपलब्ध हो, पैरास्टामोल उपलब्ध हो, एडवांस डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अंशुमन की नहीं, फ्लाइट्स को रोकना नहीं चाहिए, आप भी यही मानते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए तो फिर वो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह आ रही है उनके वहां पे जो रैंडम टेस्टिंग हो रही है, रैंडम नहीं, थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से पर्सनली। अभी मैं देख रहा था डेटा आपका जो है, अभी जो इंटरनेशनल गांधी इंटरनेशनल गांधी है दिल्ली एयरपोर्ट का है, देर आर मेनी केसेज विच हैव बीन फाउंड पॉजिटिव, सो वी हैव टू इंक्रीज द सर्वेलेंस, सर्वेलेंस बढ़ा के उनको क्वारंटाइन करके जो हम लोग पहले करते रहे वही करना पड़ेगा। फ्लाइट के बारे में मुझे बताइए, और डॉक्टर्स के साथ बच्चे सबसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं, जैसे जो कोमोबिड लोग हैं जिनको पहले से बीमारी है उनसे मिलते हैं, उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि वो आगे कैरियर नहीं बनेंगे। थर्डली वैक्सीन से आप कैरियर नहीं बनते हैं क्या? अब जो नेजल वैक्सीन आई है वो आपको म्यूकोसल एक तरह की डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अंशुमन की नहीं, फ्लाइट्स को रोकना नहीं चाहिए, आप भी यही मानते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए तो फिर वो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह आ रही है उनके वहां पे जो रैंडम टेस्टिंग हो रही है, रैंडम नहीं, थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से पर्सनली। अभी मैं देख रहा था डेटा आपका जो है, अभी जो इंटरनेशनल गांधी इंटरनेशनल गांधी है दिल्ली एयरपोर्ट का है, देर आर मेनी केसेज विच हैव बीन फाउंड पॉजिटिव, सो वी हैव टू इंक्रीज द सर्वेलेंस, सर्वेलेंस बढ़ा के उनको क्वारंटाइन करके जो हम लोग पहले करते रहे वही करना पड़ेगा। फ्लाइट्स के बारे में मुझे बताइए, और डॉक्टर्स के साथ साथ